समस्तीपुर जिला के खानपुर प्रखंड क्षेत्र के कानूबिशपुर पंचायत के वार्ड नंबर 4 में नल जल योजना के कार्य पूर्ण नहीं होने की खबर पिछले दिनों बिहार की आवाज न्यूज संवाददाता उमेश चौधरी ने प्रमुखता से चलाई थी। खबर देखकर पीएचडी के कार्यपालक अभियंता ने एसडीओ मोहम्मद आशिफ इकबाल को उक्त स्थल का निरीक्षण करने भेजा। एसडीओ ने मामला सही पाया। उन्होंने देखा कि संवेदक द्वारा स्ट्रक्चर का निर्माण नहीं किया गया है। मुस्लिम समुदाय के करीब 25 घरों तथा अन्य 20 घरों में नल का कनेक्शन नहीं दिया गया है। पाइपलाइन सही तरीके से नहीं लगाया गया है। ये सब देखकर वे भौचक रह गए और संवेदक को खरी खोटी सुनाते हुए 2 सप्ताह के अंदर कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया। अन्यथा राशि खर्च होने के बावजूद लोगों को पेयजल आपूर्ति नहीं होने के आरोप में ठोस कार्रवाई की जाएगी। इधर मामले की गंभीरता को लेकर कार्यपालक अभियंता एवं एसडीओ द्वारा त्वरित कार्रवाई करने के लिए जिला पार्षद स्वर्णिमा सिंह ने धन्यवाद दिया है। बिहार की आवाज न्यूज के लिए समस्तीपुर जिला के खानपुर से संवाददाता उमेश चौधरी की रिपोर्ट। मिला था ग्रामीणों द्वारा कि वार्ड नंबर 4 जो है कानू बिशनपुर में जल आपूर्ति और कनेक्शन को लेकर के, तो उसी का इंस्पेक्शन हम लोग कर रहे थे। वार्ड नंबर 4 में करीब 15 से 20 घर जो बचे हुए रोड के पीछे साइड, तो कुछ ग्रामीण जो है वो पाइपलाइन नहीं जाने दे रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा बोला गया, आश्वासन दिया गया है कि वो लोग जो है पाइपलाइन बिछाने देंगे। पहले इससे पहले वो लोग नहीं दे रहे थे, अवरोध क्रिएट कर रहे थे, लेकिन अभी जो है बात को उन लोगों ने माना है कि ठीक है पाइपलाइन जाने देंगे। तो बाकी बचे हुए शेष घर बचे हुए 20 है, उनके हम लोग कनेक्शन प्रोवाइड कर देंगे। और इसी तरह देख रहे हैं वार्ड, कुछ कुछ घर बचे हुए हैं क्योंकि बारिश के कारण बहुत जगह पे बहुत सारा टोला जो था डूबा हुआ था, इसकी वजह से कनेक्शन नहीं हो पाया, लेकिन हम लोग जो है उस चीज़ को स्ट्रक्चर भी खड़ा नहीं किया गया है अभी तक उस पर, नहीं वो सब प्रोसेस में है। विद इन मतलब समझिए कि 1 हफ्ते से ज़्यादा वक्त के अंदर सब चीज़ हो जाएगा। जल आपूर्ति चालू है पूरा, ठीक है, वो हो जाएगा। एमबी कैसे कर दिया गया था? नहीं अभी बुकिंग नहीं है आप लोगों को, पेमेंट इसका एक भी नहीं हुआ है अभी है, और जब तक काम नहीं होगा तब तक पेमेंट कैसे होगा। वार्ड की भी समस्या आ रही है, एक नंबर वार्ड की भी, इसको भी हम लोग देख ले रहे हैं क्या है। कनेक्शन छूटे हुए हैं जस्ट बिकॉज कि पानी जो है ना, थोड़ा सा पानी वाटर बारिश की वजह से भी थोड़ा सा हम लोग काम नहीं चालू तो कर दिया गया था, लेकिन अभी क्या है कि हम लोग इस चीज़ को जो बचे हुए घर हैं और जो कहीं कहीं लीकेज है उसको हम लोग रिजॉल्व करवा कर एज सून एज पॉसिबल जल आपूर्ति चालू करवा दे रहे हैं। चालू तो है ही है, कनेक्शन वगैरह भी हुआ पड़ा है, लेकिन क्या है कि ये लीकेज की वजह से जल आपूर्ति बाधित है। 4 नंबर में तो चालू नहीं है, वहाँ तो ना नहीं, अभी तो अभी तो अभी तो हम लोग चालू उसको देखिए फंक्शनल, पहले तो हम लोग उसको दे सकते हैं ना, पाइपलाइन में पानी चालू हो जाएगा तो एक तो पता चल जाएगा ना कि लीकेज क्या है, कितने घरों तक जा रहा है, प्रेशर का क्या, ये सब चीज़ मेजर करना होता है ना। ठीक है चलिए आगे चलते हैं। मेरा मैं एसडीओ हूँ, ठीक है, आसिफ इकबाल नाम का मेरा, ठीक है।